वालेकुम सलाम। मेरी वालदा ने आंख का ऑपरेशन कराया जी, तो डॉक्टर साहब ने ड्रॉप लिख के दिए हैं जी जी। तो वालदा रोजा रखना चाहती है, वो रोजे की हालत में ड्रॉप डाल सकती है, जबकि ड्रॉप की वजह से गला कड़वा भी हो जाता है। ड्राप्स का तो कोई हर्ज नहीं, गला कड़वा होने से भी रोजे का कुछ नहीं बिगड़ता, वो जायका ही होता ना, और तो कुछ नहीं, कतरे वगैरह जाते अगर महसूस हो थूक दिया जाए। मगर अम्मा क्यों इतनी तकलीफ बर्दाश्त करती है, बीमार है, कुछ खाए पिए, अल्लाह ताला सेहत दे, तो फिर साल पड़ा उसमें एक एक दो दो करके भी रख ले, अपने आप को खाम खा तकलीफ में डालना भी अल्लाह पसंद नहीं ना करता कि मैंने आसानी दी है तुम क्यों तंग होते हो। इसीलिए हजरत उमर और उनके साथ ज़ादे अब्दुल्ला रजी अल्लाह नुमा वो तो कहते थे कि अगर मुसाफिर और मरीज रोजा रखे तो उसका वो शुमार ही नहीं होता, वो फजूल गया, उसको दोबारा रखना पड़ेगा। वो कहते हैं जब कुरान ने कह दिया कि मरीज और मुसाफिर दूसरे दिनों में रखे, तुमने दरमियान में एक फिक्रा खुद बढ़ा लिया कि अगर वो ना रखे तो फिर रखे। वो कहते हैं वहां कब लिखा, वहां तो ये लिखा कि मरीज और मुसाफिर रोजे दूसरे दिनों में रखे, इतनी बात है, दरमियान में ये कोई नहीं कि अगर छोड़े तो। इसलिए सही तो यही है कि तंग ना हो, अल्लाह ताला के सदका को इनाम को कबूल करे, खुले दिल से खाए पिए राज करे, इंशाल्लाह मेरी बहन को शिफा हो जाएगी, तो फिर रोजे रख लेगी, कोई बात है, अल्लाह तौफीक देगा। बाकी ड्राप्स की वजह से कोई रोजे में हर्ज नहीं होता, डाल लें, बेशक तंदुरुस्त लोग भी डाल लें, अगर जायका महसूस हो थूक दे, जायका तो हर चीज का आता रहता है, जायके की कोई बात नहीं। खास करके मेरी बहनें जो आम ना हांडियां पकाती हैं उनको तो पता होना चाहिए, चख लेना सालन का, कोई हर्ज नहीं। ऐसा ना हो कि सख्त तबीयत खाऊं दो बाद में कहे नमक थोड़ा ये कम है, तो चख कर थूक दे, जायज है, कोई हर्ज नहीं, जायके का कुछ नहीं। ये तो माओ बहनों की बात है मौलाना, जो अफतारी के वक्त घरों को जाती है ना, तो डीजल और पेट्रोल और गैस की जो बू उनके गले के अंदर और हलक तक उतरती है उनको ही पता पता, जब एक लम्हे के लिए एक ट्रैफिक जाम हो जाती है तो फिर क्या हशर होता है उसको तो पूरे वजूद को पता चल जाता है। अल्लाह फजल फरमाए, अम्मा को शिफा दे अल्लाह। अच्छा बोला ना जी जी। अच्छा वो किसी से जी किसी से रोजा रखवा सकती हैं? नहीं नहीं, उनके तंदुरुस्त होने की पूरी उम्मीद है ना, अल्लाह रहम फरमाए। हाँ जी। ये वो मरीज जिनके तंदुरुस्त होने की अब उम्मीद ही नहीं, वो भी समझते हैं, लोग भी समझते हैं कि बीमारी ऐसी है, ये दिन ब दिन कमजोर ही होंगे, नहीं तंदुरुस्त होंगे। सिर्फ ऐसे मरीजों के लिए इजाजत है फिजिया की, जो वक्ती तौर पर मरीज है ना, मगर इंशाल्लाह जिंदगी में वो ठीक हो जाएंगे। हाँ, उनको कज़ा ही करना पड़ती है। ठीक है जी जी, बहुत शुक्रिया भैया।